पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह किसको गाड़ेंगे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं गाड़ूंगा, मैं अंत तक करूंगा। महंगाई का, भ्रष्टाचार का और बेरोजगारी का, मैं सभी चीजों को गाड़ूंगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। किसान परेशान है, उनको बीज नहीं मिल रहा है, फसलों के दाम नहीं मिल रही हैं, किसान खाद और बीज के लिए परेशान है और यह हाल पूरे प्रदेश का है। उन्होंने कहा कि इनके मंत्री भी बेचारे फंसे हुए हैं, इनकी विकास यात्रा का 160 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध हुआ है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह घोषणा के नशे में है, वह जगह जगह जाकर देख रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। छिंदवाड़ा में भाजपा के प्रदर्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ से नहीं लड़ती, जब छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ती है तो छिंदवाड़ा की जनता से लड़ती है। हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है। अभी मैं नरसिंहपुर से आज आया हूँ, नरसिंहपुर में किसान परेशान है, उनको अपने गन्ने के लिए बीज नहीं मिल रहा, सही बीज नहीं मिल रहा, उनको कीमत नहीं मिल रही, मूल्य नहीं मिल रहे। हर किसान परेशान है, खाद के लिए, बीज के लिए। ये पूरे प्रदेश में हाल है। पूरे मालवा निमाड़ में लहसुन 1 रुपए 1.5 रुपए में बिका, प्याज लो, टमाटर लो, ऐसी कौन सी चीज है जो, और कौन सा वर्ग है जहां लोग परेशान नहीं है। ये तो इनके मंत्री बेचारे, मैं तो उनको बेचारा कहता हूँ कि वो कैसे फंसे हुए हैं। ये हर जगह इन्होंने जहाँ विकास यात्रा भी निकाली 160 विधानसभा क्षेत्रों में, हाँ, इनकी खिलाफत हुई, लोगों ने इनके अपछप बोले, ये आज हालत है। ये मैंने कहा ये घोषणा के नशा में है शिवराज सिंह जी, कि वो देख रहे हैं प्रदेश में जगह जगह जाकर कि जनता का मूड क्या है। लोगों के चेहरों से समझ आ जाता है कि क्या मूड है। और जहाँ तक छिंदवाड़ा का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी कमलनाथ से नहीं लड़ती, जब छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ती है छिंदवाड़ा की जनता से लड़ाई करती है। और ये चुनाव छिंदवाड़ा की जनता और बीजेपी के बीच में है। मैं यहाँ राजनीति नहीं करता, मैं एक समाज सेवक के रूप में छिंदवाड़ा में मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। मैंने आज घोषणा करी है, मैंने नर्मदा की भूमि पर आज घोषणा करी है कि हम सिलेंडर 500 रुपए में हम देंगे। ये जो आज लाडली बहन की योजना लाए, महंगाई से हमारी बहनें परेशान हैं, गैस से हमारी बहनें परेशान हैं, और ये कह रहे हैं 1000 रुपए देंगे। 1000 रुपए भी कई शर्तें रखी गई हैं, ये शर्तों का पालन नहीं होगा तब 3 महीने बाद 2 महीने बाद ये कहेंगे इसको वापस दो, रिफंड दो। NBC न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।